हेलो फ्रेंड, मैं अनाश और आप देख रहे हैं स्पेटेक प्रो। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा, आप भी एक इमेज के अंदर बहुत सारा डेटा छुपा सकते हैं। 30, 40, 50, 100 GB तक भी आप एक इमेज के अंदर डेटा छुपा के रख सकते हैं, जो कि सीक्रेटली रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो चलिए, इसकी जो प्रोसेस है वो मैं आपको पीसी स्क्रीन पर दिखाता हूँ। सब्सक्राइब करें स्पेटेक प्रो चैनल को और साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, नए वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास कुछ फाइल्स हैं, nature.jpg, ये जो मेरी इमेज फाइल है, इसके साइज भी आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.97 MB का ये जो फाइल है। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट की फाइल मैंने इस फोल्डर में रखी है। कुछ exe फाइल है, mp3 है, mp4 है और jpg फाइल भी है। एक इमेज फाइल छोड़ के बाकी सब फाइल्स को मैं एक एचईआर बनाता हूँ। मेरे पास 7zip है, अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली 7zip नहीं तो विनरार आप डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर लीजिए। इसका एक एचईआर बना दो जो कि मेरा फोल्डर का नाम से क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं demo.7z, तो मैं इसे बना लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो 7z फाइल क्रिएट हो चुका है, तो मैं बाकी जो मेरे फाइल्स है इन्हें सबको डिलीट कर देता हूँ। मैं इसे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इस demo7z के अंदर मेरी जो 5 फाइल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमें जो है वो इस 7z का जो फोल्डर है demo.7z का, इसे इस इमेज के अंदर जो है वो हमें डालना है। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होगी। तो सबसे पहले हम जो है वो cmd ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप करता हूँ cmd, और उसके बाद सर्च रिजल्ट में cmd आ जाएगा। तो हमें इसे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो cmd है ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमें जो है हमारा ये जो फोल्डर है डेस्कटॉप पर, मेरा जो डेमो फोल्डर है इसके अंदर जाना है। तो मैं इसका जो पाथ है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से यूज़र तक का जो पाथ है मैं कॉपी कर लेता हूँ। cmd में हमें टाइप करना है cd, उसके बाद हमें एक बैकवर्ड स्लाइस देना है, और उसके बाद हमारा जो पाथ है वो मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो मेरा डेस्कटॉप पे डेमो फोल्डर है उसके अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर हमें एक कमांड टाइप करनी है कॉपी, कॉपी के बाद एक स्पेस देना है, और स्पेस के बाद हमें फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, फॉरवर्ड स्लैश के बाद हमें v टाइप करना है और फिर से एक स्पेस देना है, स्पेस के बाद हमें हमारा जो इमेज फाइल है आप यहाँ देख सकते nature.jpg, तो ये जो फाइल नेम है ए एक्सटेंशन के साथ में हमें यहाँ पर टाइप करना है। अगर आपका एक्सटेंशन यहाँ पर शो नहीं कर रहा है तो आपको सिंपली ऑर्गेनाइज में जाके फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद व्यू पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हैं हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप, तो इसके ऊपर आपका टिक रहेगा, तो आपको ये टिक निकालना है और उसके बाद अप्लाई ओके करना है। तो आपका जो फाइल एक्सटेंशन है वो यहाँ पर शो होगा। तो मैं यहाँ पर मेरा जो फाइल नेम है वो एक्सटेंशन के साथ यहाँ पर टाइप करता हूँ। उसके बाद हमें एक स्पेस देना है, उसके बाद हमें प्लस का साइन लगाना है, प्लस के साइन के बाद हमें एक स्पेस देना है, और जो हमारा एचयू फोल्डर है demo.7z ये टाइप करना है एक्सटेंशन के साथ। अगर आप विनरार से करते हैं तो आपका .rar फाइल रहेगा, तो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। तो मैं मेरा जो demo.7z फाइल है वो यहाँ पर टाइप करता हूँ। उसके बाद हमें एक स्पेस देना है, और जो हमारा आउटपुट फाइल का नेम रहेगा वो हमें यहाँ पर डालना होगा। तो मैं यहाँ पर mydata.jpg नाम दे देता हूँ और उसके बाद एंटर करता हूँ। यहाँ पर जो मैंने स्पेस दिया था वो कैंसिल करके एंटर करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं स्पेस की वजह से हो नहीं रहा था, तो अभी mydata.jpg यहाँ पर आप फाइल भी आ गई है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर 1 फाइल कॉपीड आ गए। तो मैं इसे सिंपली एग्जिट कर देता हूँ। तो मैं सिंपली ये जो 2 फाइल है इन्हें भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं सिंगल फाइल बचा है मेरा mydata.jpg। तो इसका साइज आप देख सकते हैं 31 MB का फाइल हो चुका है, और ये मेरा इमेज ही है। मैं इसे ओपन करके देख भी सकता हूँ। अभी आप देख सकते हैं जो मेरी इमेज है वो 31 MB की बन चुकी है। आप चाहे इसमें कितना भी डाटा डाल सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए यहाँ पर 31 MB की फाइल बनी है मेरी। अगर आप चाहे तो 10 GB, 20 GB, 40 GB जितना चाहे डाटा आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैं इसे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये जो मेरी इमेज फाइल है इसका नाम आ चुका है mydata.jpg। तो मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप मेरी पूरी जो फाइल है वो इसका अंदर सेफ है। अगर मैं चाहे तो इसे एक्सट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर कॉपी टू करता हूँ, तो ये जो है ये देख सकते हैं आप, ये जो पाथ है मेरा इस डेमो फोल्डर के अंदर जो है मेरा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो
तो चलिए मैं इस डेमो फोल्डर के अंदर आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, मेरा जो पूरा फाइल है यहाँ पर आ चुका है। आपने देखा कि किस तरह आप एक इमेज के अंदर बहुत सारा डेटा छुपा के रख सकते हैं सीक्रेटली, जो कि किसी को पता नहीं चलेगा, सिर्फ आपको ही पता रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।